So, good evening, all of you. So today we are here to just uh, discuss and uh, provide to all the IEI students a roadmap, <clears throat> the path which you all can follow for your respective uh, subjects, and uh, to uh, basically guide you all on a one-to-one -one basis, uh, whatever queries you all are having. So. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू दोज हु हैव क्लियर द एग्जामिनेशंस एंड दोज did not. मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई बात नहीं दो महीने बाद फिर दोबारा से एग्जाम है एंड uh, <coughs> बहुत ही लॉजिकल चीज़ है कि हम लोग एक डिफ़िकल्ट कोर्स में हैं तो हम लोग फेल भी होंगे बहुत बार पास भी होंगे तो उसमें वैसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है अपने को ये देखना है कि अब अपने आगे कैसे प्रोसीड करे राइट तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं गाइड कर एक नॉर्मल सा चीज जो मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ वो ये है कि एक डिसिप्लिन रूटीन ठीक है सिंस आई एम ऑल्सो आई आई कैंडिडेट आई कैन रिलेट मोर टू यू ऑल मेरे को ये लगता है जितना भी मैंने कॉमन ट्रेड देखा है ठीक है अभी जैसे एप खत्म होने वाला है तो मैं सिर्फ आप लोग को यही गाइड करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग अब एक्टिवली पढ़ने लग जाइए ठीक है मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको एकदम पूरा पूरा दिन पढ़ना है बट हाँ आप क्या पढ़ रहे हो आप कितना देरी पढ़ रहे हो और आप उसमें कितना कवर कर रहे हो दीज थिंग्स यू शुड कीप अ ट्रैक ऑफ जैसे मैंने बहुत लोग को बोलते हुए सुना है इन द पास्ट कि मैंने कंपाइलर जो हमारा दिया हुआ है वो हमने पांच बार सॉल्व किया चार बार सॉल्व किया बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू मेक इट इन द एग्जाम तो सबसे पहली बात ये है आप लोग सबको पूरा पूरा दस I mean so like साल का मिनिमम आपको वो करना पड़ेगा. अगर आप वो अच्छे से कर करते हैं तो क्या है कि आपका एक बेस सेट होता है उसके बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर सबको देखने हैं पूरा प्रॉपरली और आप लोग को अगर कोई भी डाउट्स है तो आप लोग टीम को अप्रोच कीजिए मेरे को अप्रोच कीजिए एक सेट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है चार से पांच आप किसी पे में आप किसी में भी कभी भी कॉल करके आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है वो आप डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा देखिए जो मेरे को जो लगता है आप लोग उतना कनेक्ट नहीं बना रहे हैं कनेक्ट नहीं बना रहे से मेरा ये मतलब है कि आप लोग को ये लगता है कि आप लोग खुद से पूरा चीज कर लेंगे बट देखिए बहुत सीधी सी बात है

और पेपर भी आपको इन दोनों चीज को बहुत इक्वली बैलेंस करना पड़ेगा एक रॉन्ग स्ट्रेटजी बोलना चाहूंगा कि अगर आप पहले पेपर ए कर रहे और आपका पेपर भी पीछे छूटा हुआ है तो शायद आप गलत कर रहे हैं ठीक है इसको आप रेक्टिफाई करिए उसके बाद जैसे मान एक और आप लोग सम्स को पूरा, -पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ सम्स को देख ले रहे हैं तो शायद आप गलत कर रहे हैं देख लेने से सम्स नहीं बनता है उसको आपको पूरा एंड तक सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में जब आप जाएंगे वही सेम सम आपसे नहीं बनेगा ये मेरी गारंटी है ठीक है उसमें क्या होगा आपको तीन से चार जगह में अटकन आएगा आपको ये लगेगा कि भाई ये वाला स्टेप तो मैंने देख तो लिया था बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ तो मुंह से सम्स को याद करने से कुछ नहीं होता या फिर देख लेने से कुछ नहीं होता है इंसान आज के दिन पे इतना स्ट्रेस में है तो ऑब्वियस सब आता है आप दो चीज देखोगे आपको आधा ही चीज उसमें याद रहेगा ठीक है तो सम्स को पूरा एंड तक बनाना है आप कोई भी कॉन्सेप्ट अगर कर रहे हैं तो उसको एकदम अच्छे से करिए वीडियोस को बार बार प्ले करके उसको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप समझ के करिए ठीक है आप जितना कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा <coughs> एक और बात जो मैं आपको बोलना चाहूंगा आज आपने हमको बहुत ज्यादा फीस पे किया है राइट आपने हमको काफी ह्यूज सम ऑफ मनी पे किया है और मैं इस चीज को एडमिट करता हूं कि हमारा फीस बाकी से कंपेरेटिवली ज्यादा है बट उसका एक रीजन है हमने आपको पार्ट मार्क्स दिया क्या आपने उसको दिया है

करेक्ट ऑन ओनली फाइव और जिसका भी जीरो चीज करेक्ट नहीं होता है सो ईच क्वेश्चन कैरीज आई गेस टू पॉइंट सो बेसिकली आपको अगर टेन या फिर उससे कम मिल रहा है आपको वो चैप्टर को रिविजिट करना पड़ेगा ठीक है तो ये एक और स्ट्रैटेजी रहा दूसरा एक और स्ट्रैटेजी रहा हमने समरी बुक दिया है तो वो समरी बुक आपको अपने सीने से लगा के रखना है आप कहीं भी जा रहे हो आप कहीं भी आ रहे हो वो समरी बुक हमेशा आपके साथ रहना चाहिए ठीक है तो वो जो समरी बुक है वो आपको पूरा एकदम अच्छे से करना है उसको बार बार रीड कीजिए रिविजन इज द किंग विजन से पहले रिविजन होना इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट और जब आप पढ़ रहे हैं तो 50 50 परसेंट एफर्ट लगा के मत पढ़िए कोई भी चीज को पढ़ रहे हैं एकदम पूरा जी जान से अच्छे से पढ़िए कि भाई ये वाला चीज मैं पढ़ रहा हूँ मेरे को आपकी में क्लियर करना है हाफ हार्टेडली अगर आप पढ़ेंगे तो आपका वो चीज क्लियर नहीं होगा देखा जाएगा डोंट गेट स्कैट बाय द रिजल्ट की भाई चार ही लोग पास हो रहे हैं पांच ही लोग पास हो रहे हैं उसमें आप होंगे उसमें आप होंगे अगर मेरे जैसा एवरेज लड़का आज इस कोर्स को करके मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट करके सिर्फ दो पेपर बचा है और अगर वो पढ़ा रहा है तो आप लोग तो मेरे से बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है ठीक है बात बता रहा हूं आईआई में आधे लोग तो पहला बात एग्जाम से पहले ही डर जाते हैं उनको ये लगता है कि भाई पासिंग रिजल्ट इतना कम है तो मैं अपना प्लेस इसमें कैसे बना पाऊंगा बट ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि बहुत लोग का प्रिपरेशन ही एडेक्वेट नहीं होता है ठीक है तो आपको पासिंग रिजल्ट मत देखिए इट्स वेरी 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 बायस्ड ठीक है आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि भाई मेरा प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है मैंने सारे सम्स प्रैक्टिस किए हैं लास्ट का जो पंद्रह दिन होगा लास्ट का जो पंद्रह से बीस दिन होगा उसमें हम लोग सिर्फ आई आई का क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन करेंगे ठीक है आई आई का क्वेश्चन पेपर करेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे दो से तीन बार ठीक है ये चीज एकदम ध्यान में रखिएगा क्या होता है पढ़ते पढ़ते मान लो एग्जाम में सिर्फ चार पांच दिन बचा है धीरे धीरे करके क्या होता है हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि भाई ठीक है अब जैसे क्या होगा हम लोग लास्ट का दो तीन अटेम्प्ट का पेपर देख लेंगे बट वैसे नहीं होता है लास्ट का 10 से 15 दिन आप आईआई का रिसोर्स को सॉल्व करिए तभी आपको उसका उसका फॉर्मेट फॉर्मेट क्वेश्चन आस्किंग कैसे क्या होता है डिफिकल्टी लेवल वगैरह आपको एक टेस्ट मिलेगा ठीक है सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आई आई एग्जाम गुड इफ यू वॉन्ट टू पास वॉट आई फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई आपको ऑन अ मैंने लास्ट का जो टाइम है उसमें आपको आई आई के पेपर को सोल्व करना है ठीक है उसके बाद में हम लोग जो डाउट सेशन रख रहे हैं वो सब आप लोग अटेंड करिए हम लोग आई, आई का रखना चालू करेंगे मार्च थर्ड वीक से ठीक है आप लोग वो सेशन अटेंड कीजिए और आप लोग को देखिए थोड़ा टच बना के रखना पड़ेगा थोड़ा डेली बेसिस में अपना प्रोग्रेस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा आप लोग अगर अपना कम्युनिकेशन को एकदम अच्छे से प्रोग्रेस को बताएंगे तो हम लोग आपको हेल्प कर पाएंगे उस चीज में कि हाँ भाई अब आपको ये करना है अब आप ये कर सकते हैं ये ये आपको फॉलो करना है ठीक है ऐसा नहीं कि भाई आप अपने हिसाब से कर रहे हो और एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि सुबह उठ के पढ़ पाए ये कोर्स में अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि भाई हम तीन दिन पढ़ लिए फिर अभी सात दिन नहीं पढ़ते हैं या फिर ब्रेक लग जा रहा है ब्रेक नहीं लगने देना है ठीक है गाड़ी को धीरे चलाओ फास्ट चलाओ मीडियम स्पीड में चलाओ लेकिन चलाओ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप लोगों ने भी फेस किया होगा वो है फ्लो का मान लो आपने कोई प्रैक्टिस कर लिया फिर आपने उसको दो महीना कुछ नहीं किया वैसे नहीं होता है वैसे नहीं होता है डेली बेसिस में आपको चार घंटे मिनिमम आपको पढ़ना ही है चार घंटे अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी इस कोर्स में ठीक है तो चार घंटे नियम से डेली पढ़िए वीकेंड्स को और इफेक्टिवली यूटिलाइज करिए जब आपका कॉलेज नहीं है आपका ऑफिस नहीं है पूरा दिन बैठ के पढ़िए और बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग वगैरह में अभी मत जाइए ठीक है क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है आपका तो बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग वगैरह में मत जाइए आप एग्जाम के बाद घूमिए फिरिए एक महीना आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है एन्जॉयमेंट का भी एक टाइमिंग होता है एंजॉयमेंट हर टाइम पे नहीं किया जाता है अभी अगर आपका एग्जाम है आपको दिख रहा है आपका लक्ष्य है सामने कि आपको भाई आपका एग्जाम क्लियर करना है आपको और आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी नहीं दिखना चाहिए सिर्फ मेरे को अब की बार जो मैं पेपर दे रहा हूँ वो मेरे को क्लियर करना है और उसके लिए मान लो आठ घंटा पढ़ना पड़े दस घंटा पढ़ना पड़े पंद्रह घंटा पढ़ना पड़े पढ़ो ठीक है हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है वो आपको पूरा मेहनत करके ही करना पड़ेगा ठीक है और अपना माइंड को थोड़ा फोकस बनाइए जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो मूवी के बारे में सोच रहे हो आउटिंग के बारे में सोच रहे हो कॉलेज के बारे में सोच रहे हो जब आप बाकी चीज कर रहे हो आप मूवी जा रहे हो तो आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो उस तरीके से काम नहीं होता है ठीक है उस तरीके से काम बिल्कुल नहीं होता है आप जब पढ़ रहे हो अनडिवाइडेड फोकस Undivided attention should go towards the studies. That's my final thing that i want to say you ki एकदम जब पढ़ रहे हैं तो दिमाग में पूरा चीज एकदम पूरा जाना चाहिए ठीक है कि ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहे हैं नींद में एकदम आधा तो वैसे नहीं होता है ठीक है हमेशा लार्जर पिक्चर देखो हमेशा लार्जर पिक्चर देखो कि भाई ये एक पेपर का बात नहीं है आपने एक प्रोफेशनल कोर्स चूज किया है अपने इच्छा से चूज किया है आपको इसको कंप्लीट करना है इन टाइम बाउंड मैनर टाइम बाउंड मैनर ठीक है बहुत लोग का एक टर्म से नहीं निकल रहा होगा दो टर्म से नहीं निकल रहा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है आपको थोड़ा फोकस करके करना है अपने खुद के नोट्स बनाइए अपने खुद के नोट्स बनाएंगे आप उसको रिवाइज कर पाएंगे ठीक है रिविजन कर पाएंगे आप जो हम लोग क्लास नोट्स लिखवाते हैं आप लोग उसको डेली बेसिस में पढ़िए बार बार पढ़िए बार बार पढ़िए सब लोग मेरे को सिर्फ एक ही मैसेज करते हैं मोटिवेशन दे दो मोटिवेश मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला लाइफ में आपको एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना पड़ेगा अगर दो चॉइस है बाहर जाना है दो घंटा और आपको पढ़ना है तो आई गेस पढ़ना है ठीक है तीन साल या फिर चार साल आप अपने लाइफ के दे के देखिए लाइफ आपका पूरा चेंज हो जाएगा एकदम आपको कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा ना पैसे का प्रॉब्लम होगा रेस्पेक्ट और मतलब हर चीज जॉब वगैरह आपका एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड ठीक है अभी कोई भी टाइप का टेम्पोररी सेटिस्फेक्शन में अपने लाइफ को स्पॉइल मत करिए ठीक है आपको ये निश्चय करना है कि भाई मेरे को दिन में चार से पांच घंटा पढ़ना है आप अपने आप को बेहतर जानते हैं कि भाई अगर कोई स्लो लर्नर है जिसको वीडियो धीरे धीरे देखना है जिसके दिमाग में धीरे धीरे जाता है आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है कोई फास्ट लर्नर है तो ऐसा नहीं कि भाई वो एक घंटा में पढ़ लिया वैसे नहीं होता है ठीक है ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है प्रोफेशनल एग्जाम्स है तो इसके लिए जो एफर्ट लगाना पड़ेगा वो आपको ही लगाना है जो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे जो ना बोलना पड़ेगा वो आपको ही बोलना पड़ेगा ठीक है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता एंड एकदम भी इरेग्युलर पढ़ाई मत करिए ठीक है थीके? कि भाई हम तीन दिन पढ़ लिए जॉब वाले जॉब वाले लोग हैं या फिर जिनका कॉलेज में बहुत ज्यादा प्रेशर है मैं उनको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि भाई आप सुबह उठ के पढ़िए जल्दी उठिए सुबह सुबह जल्दी उठिए रात को दे टाइम से सोइए अगर कोई रात में पढ़ रहा है अगर कोई एकदम रात में पढ़ रहा है तो एकदम फोकस बना के पढ़िए वो बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है ना और कभी भी एग्जाम से डरिएगा मत कि भाई इसका रिजल्ट बहुत कम होता है तो अच्छा बात है ना रिजल्ट कम होता है तो पास होके दिखाना है आपको एक बार में पास होके दिखाना है सारे के सारे रिसोर्सेज आपके पास में मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि भाई अगर कोई हमारा लेक्चर पूरा एक बार अच्छे से देख रहा है और वो एक बार पूरा अच्छे से सब कुछ दोबारा से बना रहा है आई डोंट सी अ रीजन फॉर फेलियर आई डोंट सी अ रीजन फॉर फेलियर जिसने सारे मॉक एग्जाम दिए हो एंड स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट ओके सो इसमें कोई दो बात नहीं है एकदम पूरा अच्छे से आपको फोकस होके एकदम पढ़ना है ठीक है ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा आप एंजॉयमेंट करिए आधा घंटा एक घंटा समझ में आता है बट पूरा पूरा दिन वेस्ट कर दिए एंड लास्ट में क्रिप कर रहे हैं सिचुएशन ऐसा था वगैरह वगैरह सब कुछ फालतू कुछ मतलब वाला बात नहीं है सबसे ठीक है ना वीकेंड पे अगर कोई पूरा दिन छुट्टी है उस दिन अगर आप अपना बर्बाद कर रहे तो शायद आप गलत कर रहे हैं ठीक है यही सब छोटी छोटी बात है आपको ध्यान रखना है रिविजन करिए हर रोज पढ़िए कोई दिन बाहर भी जाना है पूरा दिन आउटिंग है कुछ भी प्रॉब्लम है आधा घंटा पढ़िए लेकिन वो फ्लो को ब्रेक मत करिए ठीक है वो फ्लो बहुत जरूरी आपको लाना ठीक है नाउ आई विल जस्ट ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चन ओके एंड आई कैन टेक क्वेरीज ऑन अ वन टू वन बेसिस सो आर हैविंग डाउट्स दे कैन रेज देयर हैंड्स एंड वील बेसिकली हेल्प देम आउट यस के करने हैं, है ठीक है सो और कोई भी तो अगर पास किया है तो प्लीज बहुत ज्यादा बोस्ट मत करो ये सब चीज को कि हाँ मेरा हो गया अब वैसे मत करना भाई ठीक है सर पे मचने देना क्योंकि एग्जाम अभी सिर्फ एक ही क्लियर हुआ है मंजिल तेरा है अंत तक पहुंचे तो ही बात बनेगी ठीक है यस श्वेतांक बोलो जैसे भैया मेरा सी एस वन क्लियर है अभी हम सी एम का अटेम्प्ट किया था तो वो 47 आया था मेरा उसमें हुआ नहीं।, नहीं और अभी हम सी बी और सी एस दोनों के लिए पढ़ रहा वो तो तीन पेपर देना इस मतलब कैसा रहेगा इसमें I I don't think that you should appear for three exams. Uh, what I feel is CM1 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 ठीक है क्योंकि तुम्हारा फ्रेश है वो सब माइंड में उसके संग में यू कैन टेक संगी वन सी एस टी यू प्लान फॉर दी नवंबर अटेम्प्ट ठीक है क्योंकि इतना सारा प्रेशर एक बार में आई आई से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो तुम अभी सी एम वन क्योंकि फ्रेश है आई आई का पेपर सॉल्व करो मॉक्स दो जहां जहां पर दिक्कत हो रहा है वो सबको एवेल्युएट करो अपने आप को और उसको और अच्छा करो

और अब मैं सी एम साथ में दे रहा हूँ क्योंकि सी का मेरा सिलेबस

मिड से लेके मे तक आपको पूरा आई, आई के पेपर्स करने हैं ठीक है एंड आपकी ट्राई करो मटेरियल पूरा रीड करने का हमने हार्ड कॉपी में जो दिया है मटेरियल पूरा अच्छे से रीड करो ताकि और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा ठीक है सो मार्च मिड तक एक बार पूरा पोर्शन अच्छे से खत्म हो जाएगा ना तो मार्च मिड से लेके अप्रैल मिड तक ट्राई करो कि मटेरियल पूरा रीड कर रहे हो उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बैक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक्स असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो पेपर बी का असाइनमेंट दोबारा दोबारा बना रहे हो ठीक है तो, तो पेपर ए के क्वेश्चंस को पेपर बी में ट्राई कर रहे हो ठीक है उस तरीके से एकसे, एक्सेल में दिमाग चला रहे हो ठीक है तो उससे थोड़ा और बेटर होगा आर पे ज्यादा करके फोकस कर रहे हो एंड देन अप्रैल मिड से लेकर के मई तक आपको पूरा मतलब खाली आ, उस पे फोकस रखना है ठीक मतलब पे। है मतलब पेपर पे ठीक है सर आई आई का पेपर इज द की हाँ यस हर्षिता गांधी सर हम आ, सी एम वन का पेपर देंगे मई में, में। उसके साथ मेरा सेमेस्टर एग्जाम्स भी है मतलब सेमेस्टर जिस दिन ओवर हो रहा है उसके नेक्स्ट डे सी वन का पेपर ए है तो टाइम तक सारा सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए कि हम अपना सेमेस्टर के पेपर में भी किसी में अरियर ना लगे और मेरा पूरा सिलेबस ठीक से खत्म हो देखो हमको ये लगता है कि तुमको कॉलेज का और एक्चुअली का पढ़ाई साथ

अभी है है तो वो भी सिलेबस अभी तक नहीं हुआ मेरा कैसे देखो CS1 और CB2 बहुत doable है. CB2 का जैसे सिलेबस अब तुम कंप्लीट करो डेली सीबी टू का एक लेक्चर करो दो घंटा सीबी टू पढ़ो और बाकी पूरा टाइम तुम सी एस वन रिविजन करो अगर तुम अभी से कंसिस्टेंटली दो घंटा पढ़ रही हो सीबी टू बहुत है और तुम बाकी टाइम अपना सी पे ध्यान दो ठीक है ज्यादा करके मॉक्स दो मैट रीड करो मैट के बैक क्वेश्चन सॉल्व करो एक्स असाइनमेंट करो वाई असाइनमेंट करो ठीक है पार्ट मॉक्स दो फुल मॉक्स दो उसी तरीके से तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड हो जाएगा और आई आई के पेपर्स भी सॉल्व करो अच्छे से हाँ राशि बोलो

एक दिन जिसका ए कर रही हो उसके दूसरे पेपर का बी करो ऐसे करके करो एक्सएल के संग में सी वन का ए करो एंड आर के संग में सी वन का ए करो ठीक है और उसके साथ में जैसे तुम अभी से ही थोड़ा मॉक्स वगैरह दो ज्यादा करके ठीक है और मतलब तुम्हारे संग वैसा तो नहीं है और वेरी डेडिकेटेड ट्राई करो कि तुरा तो स्टडी आवर्स को और बढ़ाने का तो स्टडी आवर्स अगर और बढ़ाओगे तो बेटर रहेगा मतलब एंड देखो अपना पेपर मंगवा लो उसमें क्या गलती हुआ उसको रिव्यू करो ताकि क्या नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोबारा से वो सब मिस्टेक्स नहीं होंगे तो वो एक और चीज है जो तुम फॉलो कर सकती हो यस एनीवन एल्स वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेरी यस गरिमा बोलो अह हेलो सर आ, सर मैं स्लो लर्नर हूँ मेरे को 60 मिनट्स का लेक्चर्स में 18 90 मिनट्स लग जाता है और मेरा सीबीएसई okay. 2 का सारा सिलेबस का मतलब क्लासेस लेना बाकी पड़ा है

और सर ऐसा भी होता है मैं कुछ एग्जाम्स का कोई सॉल्यूशन पेपर सॉल्यूशन करती हूँ मैं उसका तो मेरे को फीडबैक फीडबैक कैसे मिलेगा उसका नहीं जैसे पार्ट मॉक्स में नहीं होता बट फुल मॉक्स हम लोग पूरा चेक करके आपको मेल करेंगे ईच एंड एवरी फुल मॉक इज चेक्ड तो छह मॉक्स है वो हम लोग पूरा चेक करेंगे ओके सर ठीक है यस एनीवन एल्स वुड लाइक टू आस्क पीयूष गोयल सीएस1 जेबल yeah. like, है तो what I feel is कि तुम एक दिन में दो लेक्चर करो पेपर ए का और एक लेक्चर करो पेपर बी का तो मोटा मोटी अगर तुम इस तरीके से छह सात घंटा निकाल लेते हो पढ़ने के लिए तो तुम्हारा मोटा मोटी तीस दिन में सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा ठीक है और अगर तीस दिन में सिलेबस खत्म होता है मान लो कोई दिन तुम दो ही लेक्चर कर पाए कोई दिन एक ही कर पाए तो अगर चालीस पचास दिन में भी चालीस पैंतालीस में भी तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है देन यू कैन मूव ऑन विद द एंड तो उस तरीके ट्राई करो कि एक बार पूरा चीज तुम्हारा खत्म हो जाए मार्च uh, एंड तक ठीक है तो मार्च एंड तक अगर तुम खत्म करते हो 35 डेज रफली मार्च एंड या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक देन यू विल हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर रिवीजन ठीक है और उसके बाद फिर तुम आई, आई के पेपर्स इंस्टीट्यूट के मैट का बैक क्वेश्चन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आई आई के लिए सो so, वो भी एक पॉइंट है तो दैट इज ऑल्सो वी शुड लुक फॉरवर्ड टू वो चीज भी है ओके यस एनी वन एल्स वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेरी यस विधि या मुझे आई हैव टू क्वेश्चंस एक्चुअली लास्ट टाइम आई आई हैड गिव एग्जाम्स फॉर सीबी2 एंड सीएम2 आई डिड क्लियर सो आई एम प्लानिंग इस बार सीबी2 तो फॉर श्योर विद द क्लासेस एंड

दो तीन घंटा करके एंड सी एम टू के लाइक बेसिकली आई आई का पेपर्स उठा लो आई एफ आई का पेपर उठाल उठा हमने रिसेंट में एक्स असाइनमेंट पूरा हमारे यूट्यूब पे डाल दिया वो देखो वाई असाइनमेंट हम लोग डाल देंगे तो वो देखो. और uh, मतलब ट्राई करो कि जो इजियर चैप्टर्स है लाइक उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो लाइक रन ऑफ रोइन ट्वेल्व टू फोर्टीन वन टू एट ब्राउन मोशन सो ये सब अगर आप अच्छे से कर लेते हो सो so उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा मतलब वो चीज़ है ओके एंड वन मोर क्वेश्चन आईआई पे आईआई पेपर्स पे एंड बैक क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा ओके

यूनियन है यूरोपियन यूनियन है उन्होंने सैक्शन लगाए हैं रशिया पे ठीक है सो थोड़ा बहुत क्या बहुत कॉमन कॉमन पॉइंट आएगा कि भाई वॉर हो रहा है तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है एंड बहुत ज्यादा फाइनेंशियल वो रहेगा आप जैसे रशियन स्टॉक मार्केट क्रैश राइट एंड इकोनॉमिक रिलेशन खराब होंगे एंड यू टॉक अबाउट जी डी पी एंड इन्फ्लेशन सो ये सब क्या है ना आपका पढ़ाव है बेसिकली यू नीड टू इट देयर if you are having a strong uh, support of content that you have studied you will definitely get points there and that is what is the aim of the paper cp1 which is actual practice so that is what we do there content to paddle, but jo case study aayega no, usme aapko sare points ko hain aisa nahi hoga ki aap 10 point likhoge 100 100 galat waisa nahi ho sakta so that is why there i have assumed a low accuracy 40% and in rest of the paper even if you are having 60% of the accuracy then you are pass

अप्रैल फर्स्ट वीक एबल टू कम्लीट दिल्ली दो से तीन लेक्ट इज द स्ट्रेटी अगर कोई वर्किंग है तो भाई मेरे को ये लगता है कि uh, वीकेंड से uh, वीकेंड वो एक भी मिस आउट नहीं कर सकता बिकॉज बहुत गिने चुने वीकेंड हैं आई गेस आपको

कि एक अगर आपका एग्जाम बुकिंग का लास्ट डेट के पहले आपका शेड्यूल आ जाता है तो अपने को पता लग जाएगा ठीक है एंड अगर एग्जाम बुकिंग के बाद में शेड्यूल आता है तो दैट इज अ बिट प्रॉब्लम बट आई डोंट थिंक एग्जाम बुकिंग क्लोज होने के बाद में आएगा पहले ही आ जाएगा तो वहां पर अपने देख लेंगे कौन सा क्लैश करे कौन सा नहीं एंड रहाबाद सिलेबस का अपने 40 परसेंट कम्प्लीट कर लिया दैट्स अ गुड थिंग आई गेस यू मज बीन बॉन्ड्स और मे बी प्रोजेक्ट अप्रेजल और टर्म स्ट्रक्चर राइट सो अभी आप अपने सिलेबस को आगे बढ़ाइए एंड सी पे फुल फोकस करके आप आगे बढ़िए ठीक है जैसे नॉर्मली दिन में दो तीन लेक्चर करके कर रहे करिए ये सोच के मत बैठिए कि भाई एग्जाम क्लैश करेगा उसको मैनिफेस्ट ही मत करिए आपको ये सोचना है कि भाई नहीं करेगा तो मेरे को एग्जाम क्लियर करना ही है अब अगर कर गया तो टाइमिंग डिफरेंस है कि नहीं है कि भाई सुबह कॉलेज का एग्जाम हो गया तो वो चीज भी अपने को देखना है ना बहुत सारा प्रोबेबिलिटीज है इसमें तो ये चीज को सोच के मत बैठिए पढ़ना तो आपको वैसे भी है ये टर्म नहीं तो अगला टर्म तो वो आप जो कंटेंट है कि भाई मेरे को मार्च एंड तक खत्म करना है वो आप खत्म करिए ठीक है जो होगा वो ऑन स्पॉट देखेंगे ना अब अगर मान लो सेम दिन सेम टाइम पे क्लैश कर गया तब तो आप एग्जाम नहीं दे सकते तो पढ़ोगे नहीं ये थोड़ी है ठीक है ना सो दोनों दो टोटली डिफरेंट थिंग्स हैं सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड दैट एग्जाम्स माइट क्लैश दिस इज अ वेरी कॉमन इशू इवन इफ इट्स क्लैशिंग आपका सी एम वन खत्म होता है आप दूसरा पेपर लो ठीक है अगर क्लैश करता भी आपको जितना जल्दी पता लगता है आप क्या कर सकते हो कि भाई उस समय अपने देखेंगे ना अपने पास और कोई पेपर पढ़ने का है क्या आप जैसे और के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हो सकता है, CB1 का करे, CM1 का नहीं करे। हो सकता सकता है है का 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 करे, 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 नहीं नहीं कोई पेपर तो वो अपने देख लेंगे ना ऐसा क्या बात है? But concept building जारी रहना चाहिए एकदम पेस में, उसमें कोई वो नहीं है ठीक है जो के लिए पेपर हैं, वो marked होते है

का क्लास होगा तो मुझे वन एंड हाफ आवर लगता है तो इट इज अंडरस्टैंडेबल क्योंकि मैं पूरा दिन काम करके आता हूँ तो रात को और सुबह को मेरा थोड़ा लो uh, एनर्जी होता है तो दैट इज इट इज टेकिंग टाइम सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में कितना राइटिंग स्पीड होनी चाहिए और इज इट मैनेजेबल इज इट स्टेप वाइज होगा तो ओनली मेन स्टेप्स लिख के हम खत्म कर सकते हैं क्या नहीं नहीं देखो वैसे नहीं होता है इसमें क्या होता है देखो एग्जाम में राइटिंग प्रैक्टिस तो वही रहेगा जैसा मैं क्लास में कराता हूँ ठीक है स्टेप जम्प करने से नंबर कटेगा बिकॉज हर एक स्टेप का मार्क्स होता है तो आप क्या कर सकते हैं आप अभी जैसे कर रहे हैं ना अभी आपका एग्जाम में बहुत टाइम है सो so, राइटिंग प्रैक्टिस विल नॉट बी अ प्रॉब्लम बिकॉज आपने जो भी एग्जाम्स दिए आपने पेन एंड पेपर फॉर्मेट में ही दिया है सो so, अभी आपको जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आपका इंप्रूव हो जाएगा दस पंद्रह दिन आप कंसिस्टेंटली लिखेंगे वगैरह तो वो आपको प्रॉपरली इंप्रूव हो जाएगा एंड जहां तक रहा बात क्लास देखने का अगर आपको टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप दिन में दो ट्राई करो ना एंड गो लेक्चर बाय लेक्चर आप दिन में दो करोगे आप देखोगे आपका चालीस दिन में खत्म हो गया आप अप्रिल फर्स्ट वीक तक यू आर सेट ठीक है ना सो अप्रिल फर्स्ट वीक तक यू आर सेट तो अगर आप अप्रिल फर्स्ट वीक तक सेट है तो फिर आपको उतना दिक्कत नहीं होगा ठीक है यू विल गेट टाइम फॉर रिविजन एंड प्रैक्टिस अभी तो आप पेना पेपर पे ही कर रहे हो तो वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मतलब मेरे एंड से मैंने फॉर अ का है मतलब सीएम1 विल नॉट बी अ बिग चैलेंज आपको एक्सेल थोड़ा प्रॉपर आता होगा आपको फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स थोड़े अच्छे आते होंगे कंपेयर टू अंडरग्रेज तो आई गेस यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स आल्सो सो लुक ऑन दैट आल्सो रादर देन जस्ट गोइंग टू लुक आउट फॉर द नेगेटिव्स सो यस तो

कैलकुलस क्योंकि जितना किया ने... है ना उतना ही होगा उससे ज्यादा नहीं होगा जो किया है उससे, उससे ज्यादा नहीं है ठीक है ओके थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड प्लीज अच्छे से पढ़िए अपना सेहत का ध्यान रखिए बिकॉज उससे भी आपको बहुत मतलब गैप्स आ जाएंगे सो और फोकस रखे डिसिप्लिन से पढ़िए ठीक है हाँ यस यस वांट टू आस्क समथिंग एल्स सर आप मुंबई आ रहे हैं क्या नो आई एम नॉट प्लानिंग टू कम मुंबई लाइक बिफोर अप्रैल आफ्टर दैट डेफिनेटली आई विल प्लान सो बिफोर मे आई कैन प्लान बट अप्रैल एग्जाम्स के लिए नहीं सो आई डेफिनेटली प्लान इट फॉर लाइक द नेक्स्ट सेप्टेम्बर और मे एग्जाम्स के लिए हो सकता है मैं आ जाऊँ बट अभी अप्रैल तक तो नहीं प्लान है ठीक थैंक यू ओके Thank okay. you.